ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है यंगिस्तान की आवाज में। अब ब्रेक से पहले हमने बात करी थी शिक्षा के स्तर को, और आज हम भी उसी शिक्षा के मंदिर पर खड़े हैं, डीएवी कॉलेज महाविद्यालय में, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ा महाविद्यालय है। और यही वो कॉलेज है, यही वो जगह है जो राजनीति की प्रथम सीढ़ी कहा जाता था प्रदेश की राजनीति में। आज भी इसी कॉलेज से निकल कर कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जो उन्होंने देहरादून से लेकर दिल्ली तक की राजनीति का सफर तय किया है, और आज भी कई ऐसे मुकाम हासिल कर रहे हैं जिसको उनके राजनीति में उन्हें प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। और आज भी कई ऐसे यूथ हैं जो आज राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, राजनीति की तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी आवाज़ में है, क्योंकि डीएवी कॉलेज की जो आवाज़ है वो देहरादून से लेकर दिल्ली तक गूंजती है। और ये कहा जाता है कि राजनीति की जो प्रथम सीढ़ी है वो देहरादून के डीएवी कॉलेज से होकर गुजरती है, क्योंकि उत्तराखंड की बेसिक जो राजनीति है वो डीएवी से महाविद्यालय। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे सुझाव होने चाहिए जिन पर बातचीत हो, क्योंकि प्रदेश में यूथ की आवाज़ नहीं गूंज पा रही है? आपको क्या लगता है ऐसे क्या आवाज़ होनी चाहिए यूथ? बस मेरा यही कहना है कि पहले प्रिंसिपल जो है यहाँ पे टीचर प्रोफेसर, उनको कोऑपरेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे उनके पास जा रहे हैं, उनको आप डर धमका के भगा दे रहे हो कि हमको कुछ नहीं पता, तुम पागल हो, तुम स्कूल में क्यों नहीं आते हो, ये नहीं है। ऐसी कल परसों की बात है, हमारा एक फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म थोड़ा गलत हो गया था, हमने पूछा कि मैम हमको बता दीजिए, हमको भगा दिया वहाँ से कि कुछ नहीं आता तुमको, कि ये नहीं है वो से। तो कोऑपरेटिव होना चाहिए वहाँ पे टीचर को। अब कल को जो टीचर वहाँ पे किस लिए हमारी हेल्प करने के लिए खड़े हैं, अब हम कल को जाकर इनसे हम हेल्प मांग रहे हैं, कहीं प्रेसिडेंट के पास जाकर हमें हेल्प करो, तो आप इनको प्रोफेसर बना दीजिए, इनको क्यों बना देते हो आप, किस वहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर आपका काम क्या है वहाँ पे, हमारी हेल्प करने तो काम है। ये थोड़ी आप हमको डिमोराइज करते जाओगे, डिमोराइज करते जाओगे, हम कब हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम छोड़ दे, फेल हो जाए क्या? तो ये अच्छी बात है, रिजर्वेशन सिस्टम होता है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि अगर आजकल हम रिजर्वेशन सिस्टम हो रहा है, ठीक है, हम आईएसपीसीएस के एग्जाम किसी को नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमको पता है कि हमको जॉब मिलेगी नहीं। यानी यूथ चाहता है आरक्षण खत्म हो, आरक्षण खत्म हो, एकदम खत्म होना चाहिए। बच्चे की एबिलिटी देखनी चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये नहीं कि बच्चा छोटी कास्ट का है कि बड़ी कास्ट का है, दिमाग एक ही होता है सबके अंदर, ये नहीं कि उसको यूज करना जानो कि यूज कैसे हो रहा है उसके दिमाग का। आपको क्या लगता है क्या कुछ प्रदेश की राजनीति में होना चाहिए, जो आप अगर सुझाव की बात करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी बेरोजगारी का है। आने वाले चुनाव में जो ये है कि जो नई सरकार, जो भी सरकार बने, ये है कि बेरोजगारी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, और ऐसा नेता हो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो गांव के लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो गांव की पीड़ा समझता हो, ऐसे इंसान को मौका देना चाहिए, और महिलाओं की भागीदारी भी 50% कर देनी चाहिए। यानी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तभी महिलाओं की बात आगे हो पाएगी। आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए महिलाओं के लिए, हर पद के लिए होनी चाहिए, हर भर्ती के लिए होनी चाहिए, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो किसी की भी हो। और भर्ती के लिए कभी जातिवाद नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले भर्ती में जातिवाद हटा देनी चाहिए, इससे महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी कुछ मिलेगा। मतलब यानी आरक्षण के साथ साथ जो राजनीति में कह सकते हैं, राजनीति में जो जातिवाद का कार्ड खेला जाता है वो भी खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है आपका विधायक कैसा होना चाहिए जो आप लोगों की आवाज़ उठा सके, यूथ की आवाज़ बुलंद कर सके? हमारी यूथ की आवाज़ तो अभी फिलहाल हरीश रावत जी ही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उन्होंने कितने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करे हैं और कितनी सारी सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड करी हैं, चाहे वो बच्चे के जन्म से लेकर और उसके मतलब बुढ़ापे तक हर तरह की पेंशन उन्होंने प्रोवाइड कराई है, फ्लाईओवर्स देख लीजिए, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि गरीबों के लिए उन्होंने काम करे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी इस बार सीएम बने वो ऐसा ही हो, और वो अच्छा हो, और हमारे लिए काम करे और यूथ को आगे बढ़ाए, क्योंकि ऑब्वियसली यूथ को हमेशा एक बैक स्टेप रखा जाता है कि ये लोग अनएक्सपीरियंस्ड है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक तो कॉलेज से, क्योंकि डीएवी एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे छात्र नेता स्पेशली बनने के लिए आते हैं, और यहाँ से बच्चे अपनी स्टडीज भी कम्प्लीट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो यूथ हो वो इस पर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि मेरिट वाला बच्चा यहाँ पर छात्र नेताओं के साथ में ना जुड़ता है, ना उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही वो जुड़ना चाहता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक चीज मेरिट सिस्टम खत्म हो जाए, और दूसरी चीज बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा जरूरी है। यानी छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, यूथ का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है राजनीति में, तभी वो निष्कर्ष निकल पाएगा, इन छात्रों की आवाज बुलंद हो। आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए, एक यूथ की आवाज के लेकर क्या कुछ बातें होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव समय नजदीक है? जहाँ तक कॉलेज की बात है, आपने सभी को पता है कि यहाँ पर 60% से नीचे वाले बच्चे का एडमिशन बिल्कुल नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि बच्चों में टैलेंट नहीं है, बच्चों में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, पर जहाँ कॉलेज की बात देखी जाती है, फैसिलिटी के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, शिक्षा के मामले में, आपको देख सकते हैं कि जी एक परसेंट भी सरकार उसमें मतलब भागीदारी नहीं दिखाती। आपको क्या लगता है यूथ की जो बातें हैं, यूथ की जो डिमांड है, उसको लेकर सरकार सक्रिय नहीं है? मेरा मानना यह है कि आज तक जितनी सरकारें आई हैं, अब आगे भी आएंगी,
तो उम्मीद करता हूँ कि आगे यूथ की आवाज़ को मजबूत किया जाएगा या उनके लिए कुछ योजनाएं निकाली जाएंगी। लेकिन एक बार मैं कहना चाहूँगा कि पिछली जो खंडूरी सरकार आई थी, खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तो एक उम्मीद थी उनसे कि हमें रोजगार मिल जाएगा, अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अच्छा काम कर रहे थे। आगे अभी जो हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, 4 साल से कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ था। आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आप लोगों का नेता? जिस भी नेता ऐसा होना चाहिए जो मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए कि हर एक तत्पूरता से मतलब अच्छे लेवल से मतलब स्पीड से कार्य हो और अच्छी योजनाएं निकाली जाए। इनको तभी याद आती है कि हमारा इलेक्शन नजदीक है, सारी योजनाओं का लोकार्पण किया जाए या आज ही स्टार्ट कर दिया जाए। अभी हमारे जो फ्लाई ओवर वोट बैंक की तरह यूथ को यूज करें, आपको क्या लगता है वोट बैंक की मात्र ही यूज करें यूथ को, क्या कुछ होना चाहिए बदलाव? मैं तो जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आमतौर पर ये बात है कि सबसे बड़ी उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। जो पलायन का मुख्य कारण है कि उपयुक्त जो शिक्षण संस्थान नहीं है, हॉस्पिटल मेडिकल वगैरह जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे जो फ्लाई ओवर वगैरह बन रहे हैं, अगर इनकी जगह पे जो पहाड़ों में अच्छे से हॉस्पिटल बनाए जाएँ या कोई अच्छा सा कॉलेज स्कूल, कोई उपयुक्त शिक्षण संस्थान हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है क्या कुछ होना चाहिए बदलाव के तौर पर राजनीति में, क्योंकि अब चुनाव यूथ काफ़ी फोकस, यूथ पर सब कुछ डिमांड करता है, यूथ पर सब कुछ फोकस होता है। आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव शुरू होने ही वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक युवाओं के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि हमारे विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स एक शिक्षित होना चाहिए, समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसको इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्र में किन किन समस्याओं की क्या क्या समस्याएं हैं। और युवाओं की तरफ से मैं ये कहता हूं कि समस्त पार्टियों को जो हमारे आने वाले विधानसभा चुनाव में उसमें युवा नेता आगे आए, युवा नेता हो, शिक्षित नेता हो, तभी विकास हो सकता है। क्या आप भी यही सोचते हैं? हाँ जी, ये है। तो लेकिन पहले हमको ये देखना चाहिए कि हर नेता में सबसे पहले मोदी होना चाहिए, क्योंकि मोदी की जो सोच है वो सबसे बढ़कर है। तो हर एक नेता की सोच पहले मोदी होनी चाहिए, और यहाँ पे जो कांग्रेस सरकार है उसको पहले सबसे पहले हटाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, कुछ भी नहीं। यानी मोदी जैसी सोच होनी चाहिए, यानी बोर्ड डिसीजन लेना वाला चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। देखिए, डिसीजन होना चाहिए, लेकिन उससे डिसीजन से पहले, कितने बड़े डिसीजन से पहले प्लानिंग का बहुत जरूरी है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले अगर इसकी प्लानिंग हो जाती तो आज ये प्लानिंग और ये मुद्दा धरातल पर दिखाई देता, आज ATMO पे इतनी भीड़ न होती, गरीब को लाइन में ना लगना पड़ता और कई सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अब नेता है वो युवा होना चाहिए, मतलब उसकी एज 60 से पहले होनी चाहिए जो मुख्यमंत्री आए। और पलायन की बात है तो पलायन रुकना चाहिए, और ये राजधानी पहाड़ की तरफ जो ले जाने वाला हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए नेता। आप क्या सोचते हैं क्या कुछ होना चाहिए? सर, जिस तरह से हमारे हरीश रावत और हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है, लेकिन जो हमारे केंद्र सरकार है, जो जैसे कि हमारे जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जो नोटबंदी का प्रोग्राम करा, नोटबंदी का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब ये नोटबंदी का खिलाफ मतलब हम जो आवाज़ उठा रहे हैं, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर छात्रों लोगों को। अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं कैसे कोचिंग लेता हूँ, कैसे ट्यूशन लेता हूँ, तो मुझे वहाँ पर फीस देनी होगी, हर जगह एडवांस देने का। लेकिन ये नोट जो चल नहीं रहे, मोदी जी ने जो नोट बंद कर दिए हैं, मोदी जी ने अपने चुनावी मंच से बहुत सारे वादे करे हैं, अच्छे दिन आएंगे कहकर हम आम जनता का वोट तो ले लिया, लेकिन जब आज वो सत्ता में आ गए हैं तब उन्होंने अच्छे दिन आम जनता को भूल दिया है। जो उन्होंने क्या बदलाव जरूरी है? बदलाव जरूरी है, लेकिन उसका एक सिस्टम होता है। ये नहीं कि आप किसी दिन उठे और आपने कहा नोटबंदी हो गई। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर उस चीज़ को आप एक सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ में सिस्टम ही नहीं होता फिर हम उस काम के लिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी कह सकते हैं कि यूथ की आवाज़ आज भी यही है कि एजुकेटेड हो, उनका नेता एजुकेटेड हो, युवावान हो, और सबसे बड़ा है कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला हो जिससे उनकी आवाज़ बुलंद हो सके। यूथ की आवाज़ है आज यहीं पर, कल किसी और शहर में फिर यंगिस्तान की आवाज़ को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है यंगिस्तान की आवाज़ में। अब ब्रेक से पहले हमने बात करी थी शिक्षा के स्तर को, और आज हम भी उसी शिक्षा के मंदिर पर खड़े हैं, DAV कॉलेज महाविद्यालय में, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा विद्यालय है, सबसे बड़ा महाविद्यालय।